दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां अंतिम गेंद तक ये पता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू सिंह और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदकर टीम इंडिया ने उनका घमंड तो चूर चूर कर दिया। अब बारी है T20 में बांग्लादेश के परख उतरने की, जहां आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला कांटे का T20 मुकाबला ग्वालियर के न्यू माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप सिंह ने लिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की 2री गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ संतो और मेहंदी हसन मिराज पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले। जी हाँ दोस्तों, हुआ यह कि सांटो ने बेताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरीके का ढंग मेहंदी ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में 72 रनों की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था, तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अर्शदीप को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की 3री गेंद पर अर्शदीप ने मेहंदी के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमदुल्ला, वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था, तभी हर्षित राणा ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही, और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप के नाम रहे तो वहीं 1-1 विकेट हर्षित और रवि बिश्नोई के नाम रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहंदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था।
इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और खुद स्ट्राइक पर आ गए। हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत को टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। सबने सोच लिया था कि यह मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन सूर्या ऐसे ही थोड़ी टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं। 4th गेंद पर अपने बल्ले का करिश्मा दिखाते हुए सूर्या ने सामने की तरफ 70 मीटर लंबा खतरनाक छक्का जड़ दिया। गेंदबाज के तो अभी से दिल बैठा जा रहा था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप पिंट विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 108 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को भी मैच जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले टी20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।